दीपोत्सव से पहले सुरक्षा का जायजा लेने पहुंची अयोध्या नोडल अधिकारी एडीजी जोन लखनऊ एसएन साबत ने थाना रौनाही व थाना कैंट का निरीक्षण किया। वहीं अपने दो दिवसीय दौरे पर एडीजी जोन ने निरीक्षण के दौरान थाना रौनाही में चौपाई लगाई। रौनाही थाने में मेज के खाने का भी निरीक्षण किया और भोजन करके स्वाद भी चखा। वहीं थाना रौनाही का निरीक्षण करने के बाद अयोध्या जनपद के कोतवाली थाना कैंट का निरीक्षण किया। साथ में पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी रहे मौजूद। एडीजी जोन लखनऊ एसएन शाबत ने कहा कि अयोध्या की मौजूदा स्थिति व दीपोत्सव की सुरक्षा के मद्देनजर निरीक्षण हो रहा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या की सुरक्षा को अपग्रेड किया गया है। वहीं 15 अक्टूबर को ही प्रथम चरण की फोर्स अयोध्या पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर तक अयोध्या में और भी फोर्स पहुंचेगी। वहीं दीपोत्सव की सुरक्षा की भीड़ नियंत्रण व ट्रैफिक नियंत्रण प्राथमिकता पर काम किया जा रहा है। वहीं एडीजी जोन ने कमलेश तिवारी हत्याकांड पर कहा है कि कमलेश तिवारी हत्याकांड के 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं तीनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ में रखा गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। उन्होंने कहा 2 आरोपियों का स्केच जारी हुआ है, उनकी भी तलाश जारी है और जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। उन्होंने कहा यूपी व अदर स्टेट को भी अलर्ट किया गया है। अयोध्या में मोर्चा बनाए जाने पर एडीजी ने कहा है कि मोर्चा एक सुरक्षा का बेसिक रिक्वायरमेंट है। वहीं जगह जगह मोर्चा बनाए गए हैं, किसी भी घटना से निपटने के लिए जगह जगह मोर्चा बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा परिस्थितियों के हिसाब से इस्तेमाल होगा। वहीं दीपोत्सव में जो फोर्स आ रही है वही फोर्स दीपोत्सव के बाद भी अयोध्या रुकेगी, डिप्लॉयमेंट का पैटर्न अलग होगा। एसएसपी की मांग के अनुसार अयोध्या में फोर्स भेजी जा रही है। दीपोत्सव के मद्देनज़र एवं मौजूदा जो सिचुएशन है अयोध्या का, उसके मद्देनज़र हम लोगों ने अयोध्या को सिक्योरिटी को काफ़ी अपग्रेड किया है और बाहर से हमने फोर्स बुलाया था। प्रथम चरण का फोर्स हमारे पास 15 अक्टूबर को यहाँ पे आ चुके हैं। कुछ और फोर्स हम अभी दे रहे हैं जो कि 23 तारीख तक ये फोर्स अपना अपना स्थान में अयोध्या में ड्यूटी में लग जाएंगे। दीपोत्सव आप जानते हैं कि बहुत बड़ा उत्सव भी है और उसमें काफ़ी भीड़भाड़ भी होती है और इसी के लिए हमारा पूरा व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण का व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, उसके लिए हम लोगों ने योजना बना लिया है और इसको पिछले मेरे विजिट में मैंने इसको रिव्यू भी किया था साथ में हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण सब उपस्थित थे और अभी भी हम लोग जो भी बाकी है इसको हम लोग करेंगे। आज का मेरा ये भ्रमण कार्यक्रम का उद्देश्य कुछ और भी था, क्योंकि इस जनपद का नोडल ऑफिसर के रूप में मुझे नियुक्त किया गया है तो उस सिलसिले में भी मैं यहाँ पर आया था तो विभिन्न पुलिसिंग एक्टिविटीज़ को देखने के लिए। सर, कमलेश तिवारी हत्याकांड में कोई नया अपडेट सामने आया? नहीं, वो आपको शायद पता ही होगा कि ऑलरेडी 3 गिरफ्तार होके हमारे पास ट्रांजिट रिमांड में ऑलरेडी लाए गए हैं, लखनऊ में हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और जो और 2 लोगों का नाम आया है और उसमें हमने स्केच भी जारी कर दिया है, कल आपने शायद देखा भी होगा, और उनको हम लोग सभी जिलों को, सभी स्टेट्स को भी अलर्ट कर दिए हैं उन दोनों की गिरफ्तारी। शाहजहांपुर में कल ट्रेनों की चेकिंग हो रही थी, क्या माना जाए कि अभी यूपी कई जगह के कई जगह पे हम लोगों ने किया था, सिर्फ हरदोई और शाहजहांपुर नहीं, पूरे यूपी में कल हमने अलर्ट किया था, अन्य जगह को भी हम लोगों ने सूचित कर दिया। इनपुट नहीं संभव हो सकता है, ये कहा नहीं जा सकता एग्जैक्टली, बट हम लोग प्रयास कर रहे हैं।